हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो आज हम डेमो करने वाले हैं फिर से शॉर्ट वेव डायथर्मी का, 500 वाट। तो दोस्तों, हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है शॉर्ट वेव डायथर्मी की, लेकिन उसमें और इसमें यह फ़र्क है, ये टेबल टॉप मॉडल है जो आपको कुछ इस मॉडल में मिल जाता है। तो चलिए मैं इसका आपको छोटा सा एक डेमो करके दिखा देता हूँ फटाफट। सेम ही चीज़ होती है दोनों में। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको टाइमर जो है वो मैनुअल मिल जाता है, कि आपको यहाँ से मैनुअल टाइमर बढ़ाना है या अपने आप ही कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको आप वापस नहीं ला सकते टाइमर एक बार देने के बाद, ये अपने आप अपने टाइम से वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपको पावर इंटेंसिटी मिल जाती है, यहाँ से आप पावर बढ़ाएंगे और यहाँ से आप ट्यूनिंग बढ़ाएंगे। तो दो पैड मिल जाते हैं आपको, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कहाँ लगाएंगे। और ये एक मार्कोर मिल जाता है। अब बल्ब इसमें उसी तरीके से लगाना है जैसे हमने बड़े वाले मॉडल में लगाया है, तो सेम उसी तरीके का। चलिए सबसे पहले मैनुअल लगाते हैं मशीन से। तो इसका मैन कोड हम पीछे लगा देंगे आराम से, और मैन स्विच को दबा देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि फैन चल चुका है, अब हम यहाँ पे टाइमर दे देंगे सबसे पहले, और फिर यहाँ से वोल्टेज बढ़ाएंगे आउटपुट, फिर ट्यूनिंग करेंगे। तो इससे पहले हम वायर और पैड को मशीन से अटैच कर लेंगे सबसे पहले। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसको हम मशीन से अटैच कर देंगे और इसको पैड से। तो सबसे पहले हम पैड को अटैच कर देंगे। स्टूल ले आएंगे, तो दोस्तों मशीन से वायर और पैड को अटैच कर देंगे। तो दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर से नहीं जानी चाहिए, क्रॉस नहीं होनी चाहिए, आपको अलग-अलग सिंगल में डालनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से, दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर से नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले 5 मिनट कर देंगे हम इसमें टाइमर। आप देखिए टाइमर बढ़ाते के साथ वोल्टेज जो है 200 पे चला गया है। तो दोस्तों 200 पे वोल्टेज आ चुका है, तो एक पॉइंट और बढ़ाएंगे हम वोल्टेज को। हाँ, अब ट्यूनिंग करेंगे। तो ये ट्विनिंग भी फुल है, तो इसके ऊपर हम आउटपुट के लिए ट्यूब का रखेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं आउटपुट कैसी आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। अगर आपको आउटपुट और बढ़ानी है तो आप वहाँ से 3 पे कर देंगे पावर को, पावर एक और बढ़ाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं पावर 400 पे आ चुकी है, फिर एक बार ट्यूनिंग कर देंगे तो फुल पे है ट्यूनिंग। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आउटपुट आ रही है, आपको आउटपुट और चाहिए तो और बढ़ा सकते हैं आप। तो ये था एक छोटा सा डेमो शॉर्ट वेव डायथर्मी का, 500 वाट डेमो कंप्लीट होता है। थैंक यू।